ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद 25वां अध्याय श्लोक नंबर 28 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। त्वं ह्रीर्भवान्यस्यथ वा रमापतिं विचिन्वति किं मुनिवद्रहो वने त्वदङ्घ्रिकामाप्तसमस्तकामम् कोपद्मकोशपतितः कराग्रा त्वं हीर्भवान्यस्यथ वा रमापतिं विचिन्वति किं मुनिवद्रहो वने त्वदङ्घ्रिकामाप्तसमस्तकामम् कोपद्मकोशपतितः कराग्रा त्वं ह्रीर्भवान्यस्यथ वा रमापतिं विचिन्वति किं मुनिवद्रहो वने त्वदङ्घ्रिकामाप्तसमस्तकामम् कोपद्मकोशपतितः कराग्रा। तुम, ह्री, लज्जा, भवानी, शिव की पत्नी, असि, हो, अथ, की, वाक, सरस्वती, विद्या की देवी, रमा, लक्ष्मी, पतिम, पति के, विचिन्वती, विचार में मग्न, खोज में रत, किम, क्या तुम हो, मुनिवत, मुनि के समान, रह, एकांत भाव में, एकांत स्थान में, बने, वन में, त्वत अंग्री, तुम्हारे पांव, काम, इच्छुक, आप्त, प्राप्त, समस्त, सभी, कामम, इच्छित वस्तुएं, क्व, कहाँ हैं, पद्मकोश, कमल पुष्प, पतितः, गिरा हुआ, कर, हाथ के, अग्रात, अग्रभाग से। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। तो पुरंजन कह रहे हैं, हे सुंदर बाला, तुम साक्षात लक्ष्मी या भगवान शिव की पत्नी भवानी अथवा ब्रह्मा की पत्नी अर्थात विद्या की देवी सरस्वती के समान हो। यद्यपि तुम अवश्य में भी इनमें से एक हो, किंतु मैं तुम्हें इस वन में अकेले विचरण करती देख रहा हूँ। निसंदेह तुम मुनियों की भांति मौन हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम अपने पति को खोज रही हो। चाहे तुम्हारा पति जो कोई भी हो, किंतु जिस तन्मयता से तुम उसे खोज रही हो, यह देखकर उसे सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि तुम लक्ष्मी हो, किंतु तुम्हारे हाथ में कमल पुष्प नहीं है। अतः मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने उसे कहाँ फेंक दिया। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वह सबसे बुद्धिमान है,
कभी वह अपनी बुद्धि को शिव की पत्नी उमा की पूजा में लगाता है जिससे सुंदर स्त्री प्राप्त हो। कभी कभी कोई ब्रह्मा के समान विद्वान बनना चाहता है तो वह अपनी बुद्धि को विद्या की देवी सरस्वती की पूजा में लगाता है। कभी कभी जब कोई विष्णु के समान ऐश्वर्यशाली बनना चाहता है तो वह लक्ष्मी की पूजा करता है। इस श्लोक में पुरंदर नामक मोहग्रस्त जीव इतनी सारी जिज्ञासाएं करता है और यह नहीं समझ पाता कि वह अपनी बुद्धि किस तरह लगाए। बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। जब मनुष्य इस प्रकार अपनी बुद्धि लगाता है तो ऐश्वर्य की देवी स्वतः अनुकूल हो जाती है। ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी कभी भी अपने पति विष्णु के बिना नहीं रहती। अतः जब कोई विष्णु को पूछता है तो लक्ष्मी जी स्वतः अनुकूल हो जाती है। मनुष्य को रावण के समान अकेले लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे दीर्घकाल तक बिना पति के नहीं रह सकते, इसलिए उनका एक नाम चंचला है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि उस तरुणी से बात करने वाला पुरंजन हमारी बुद्धि का प्रतीक है। वो उस तरुणी की लज्जाशीलता की प्रशंसा ही नहीं करता, वरन उस लज्जा के कारण क्रमशः उसके प्रति और अधिक आकृष्ट होता जाता है। वह वास्तव में उसका पति बनना चाह रहा है, इसलिए वो पूछता है कि क्या वो भावी पति के विषय में सोच रही है या कि वो विवाहित है। यह भोग इच्छा का उदाहरण है जो ऐसी इच्छाओं से आकर्षित होता है वो इस संसार में बन जाता है और जो आकर्षित नहीं होता उसे मोक्ष प्राप्त होता है। राजा पुरंजन उस तरुण की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था मानो वह लक्ष्मी हो, किंतु साथ ही वह सतर्क था कि लक्ष्मी का भोग विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। चूंकि उसे संदेह था कि वह तरुणी लक्ष्मी है या नहीं, इसलिए वह पूछता है कि वह कमल क्यों नहीं धारण किए है। यह संसार भी लक्ष्मी के समान है क्योंकि माया भगवान विष्णु के निर्देशानुसार कार्य करती है, जैसा कि भगवद गीता का कथन है, मयाधक्षिण प्रकृति स्वयते सचराचरम। कोई भी जीव संसार का भोग नहीं कर सकता। यदि कोई इसका भोग करना चाहता है तो वह तुरंत रावण, हिरण्यकशिपु या कंस जैसा असुर बन जाता है। चूंकि रावण ऐश्वर्य की देवी सीता देवी का भोग करना चाहता था, अतः वह अपने परिवार, संपत्ति तथा ऐश्वर्य सहित विनष्ट हो गए। किंतु यदि भगवान विष्णु चाहें तो माया को भोगा जा सकता है। अपनी इंद्रियों तथा इच्छाओं की पुष्टि का अर्थ है लक्ष्मी का नहीं अपितु माया का भोग। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सोपदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता
श्री विशाखान्वितं स हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कंद राधा कंद नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशवानसते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नम्ने गौरतिसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तंग्री भवानी अस्य अथवा पाक्रमापते विचिन्नति किं मुनिवद रहो वने त्वदंग्री कामाप्त समस्त कामं कोपद्म कोशः पतितः कराग्रात। तो आज श्रीमद् भागवत के ऊपर हम थोड़े समय के लिए चर्चा करेंगे, क्योंकि आज श्री वृंदावन दास ठाकुर का भी आविर्भाव तिथि है, इसलिए उनके संबंध में भी थोड़ा बहुत चर्चा करना है। इसलिए भागवत के ऊपर थोड़ा समय और वृंदावन दास ठाकुर के संबंध में थोड़ा समय हम चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में पुरंजन जो जीवात्मा का प्रतीक है, जो मोहित हुआ है भोग बुद्धि के कारण, माया द्वारा मोहित होकर जंगल में अकेली भ्रमण करती हुई स्त्री से प्रश्न कर रहा है। तो इस श्लोक में हम देखते हैं कि किस प्रकार पुरंजन जो जीवात्मा है अपनी भोग बुद्धि के कारण किस प्रकार मायाग्रस्त हो जाता है। यहाँ पर जो स्त्री का वर्णन है, जो स्त्री अकेली वन में भ्रमण कर रही है और पति की खोज में है, वो स्त्री ही दूषित बुद्धि है, क्योंकि जीवात्मा की बुद्धि जब शुद्ध रहती है तो उस बुद्धि को वो भगवान की सेवा में लगाना चाहता है, किंतु जब उसकी बुद्धि दूषित हो जाती है भोग बुद्धि के कारण, तो जीवात्मा अपनी बुद्धि को, दूषित बुद्धि को माया की सेवा में लगाता है और इस प्रकार भौतिक संसार में वो बार बार जन्म ग्रहण करता है और संसार के दुख को भोग करता है। तो नारद मुनि महाराज प्राचीन भविष्य को
इस उपाख्यान के माध्यम से ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि किस प्रकार पुरंजन जीवात्मा मोहित हो रहा है भोग बुद्धि के कारण और अपनी दूषित बुद्धि को भोग में लगा रहा है। तो यहाँ पर पुरंजन जो वन में गया हुआ है तो जंगल में एक सुंदर स्त्री का दर्शन करता है, जो सुंदर स्त्री वन में भ्रमण कर रही है, यद्यपि उसके साथ उसकी रखवाली के लिए जैसे पहले श्लोकों में वर्णन किया गया है कि कुछ अनुचर उसके साथ हैं जिसके संबंध में पुरजन प्रश्न कर चुका है पिछले श्लोकों में कि एक पांच फने विशिष्ट जो सर्प हैं उसकी रक्षा कर रहा है, जो प्राण वायु हैं, पंच प्राण प्राण वायु हैं और उनकी जो इंद्रियां हैं 10 इंद्रियां ये उसके साथ साथ हैं और इंद्रियों की ये 10 जो अनुचर हैं उनकी अनेक स्त्रियां हैं अर्थात अनंत कामनाएं हैं। तो भौतिक संसार में जीव किस प्रकार मोहग्रस्त हो रहा है ये उसका उदाहरण है कि जीव अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ मानता है और सोचता है कि वो जो कुछ सोच रहा है और कर रहा है ठीक ही कर रहा है, क्योंकि इंद्रिय भोग की कामना इतनी बलवती है कि चाहे व्यक्ति गलत रास्ता में जाए फिर भी वो सोचेगा कि वो ठीक कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरंजन स्त्री से मोहित हुआ है, जो सुंदर स्त्री से मोहित होना स्वाभाविक है, तो ये मोहित हुआ है और मोहित होकर स्त्री को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ये प्रश्न कर रहा है पुरंजन। स्त्री से इस श्लोक में प्रश्न कर रहा है कि त्वंग ह्री, क्या तुम लज्जा के मूर्तिमंत प्रतीक हो? ह्री अर्थात लज्जा, तो लज्जा स्त्री का भूषण है और इस लज्जा जिस स्त्री में लज्जा होती है वो स्त्री दूसरों के लिए आकर्षक बनती है, इसलिए पुरंदर आकृष्ट हुआ है स्त्री के प्रति क्योंकि इसमें लज्जा का अभाव है। इसलिए पुरंदर कह रहा है कि तुम लज्जा के मूर्तिमंत स्वरूप हो और भवानी यस्य अस्य अथ अथवा तुम भवानी हो, भवानी अर्थात भव शिव की पत्नी, तो शिव की पत्नी भवानी नहीं, वो बहुत सुंदर है जो दुर्गा देवी है, तो ये उमा देवी बहुत सुंदर है, इसलिए जो लोग सुंदर स्त्री की कामना करते हैं ये उमा देवी की पूजा करते हैं, उनके समान सुंदर स्त्री को प्राप्त होने के लिए। तो वस्तुतः बद्ध जीव जो माया द्वारा मोहित हैं वो स्त्री की कामना करता है भोग बुद्धि के कारण और स्त्री के माध्यम से भोग करना चाहता है, तो इसलिए बद्ध जीव इस प्रकार स्त्री की कामना करता है जो सुंदर हो, ये स्वाभाविक है। इसलिए पुरंदर प्रश्न कर रहा है कि
तुम क्या भवानी हो, शिव की पत्नी हो, क्योंकि तुम बहुत सुंदर लगती हो, तो तू भवानी की तरह दिख रही हो। अथवा उमापति रमापति बाक रमापति, अथवा तुम बाक देवी हो, बाक देवी अर्थात सरस्वती जो ब्रह्मा जी की पत्नी है। तो ये सरस्वती बुद्धि का प्रतीक है। तो जो व्यक्ति संसार को भोग करना चाहता है स्त्री के माध्यम से, वो ऐसे स्त्री की कामना करता है जो रूपवती हो, सुंदर हो और बुद्धिमती हो। इसलिए पुरंदर कह रहा है कि तुम बाक देवी हो, सरस्वती है। अथवा रमापति रमा देवी, अथवा लक्ष्मी देवी हो। लक्ष्मी देवी ये ऐश्वर्य का प्रतीक है, क्योंकि संसार में लोग ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। किंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि लक्ष्मी देवी का स्वभाव है चंचला स्वभाव। जो लोग केवल लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं ऐश्वर्य धन की प्राप्ति के लिए, यदि लक्ष्मी देवी उन पर कृपा करती भी हैं तो थोड़े समय के लिए कृपा करती है, क्योंकि उनका स्वभाव ही चंचल स्वभाव है। वो अधिक समय तक एक स्थान पर नहीं रह सकते। तो इसलिए जहाँ पर केवल लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी देवी वहाँ पर थोड़े समय के लिए रह सकती है, किंतु क्योंकि वो पतिव्रता पत्नी है नारायण की, इसलिए जहाँ पर नारायण हो वहाँ पर लक्ष्मी देवी के चंचल स्वभाव नहीं रहता है, चंचल स्वभाव नष्ट हो जाता है। नारायण के साथ जब लक्ष्मी देवी हैं उस समय वो अचंचला हो जाती है, उनका चंचल स्वभाव दूर हो जाता है। अर्थात जहाँ न भगवान नारायण है वहाँ लक्ष्मी स्थिर होकर रहती है, क्योंकि वो उनकी पतिव्रता पत्नी है। इसलिए यदि किसी को ऐश्वर्य की कामना है तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वह केवल लक्ष्मी की पूजा न करके वह नारायण के साथ नारायण की पूजा करें, जिससे लक्ष्मी देवी वहाँ अवश्य उपस्थित होंगी। जहाँ नारायण है हम लक्ष्मी की पूजा नहीं भी करेंगे फिर भी लक्ष्मी देवी वहाँ उपस्थित होंगी। जिस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में आविर्भूत हुए तो ये ब्रजभूमि लक्ष्मी देवी का निवास स्थान बन गया। ततः आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धि हरेर निवासत्म गुणे रमा क्रीडंग अभुन। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजन, जब से भगवान कृष्ण का आविर्भाव हुआ इस ब्रजभूमि में, वहाँ से आरंभ करके भगवान के आविर्भाव दिन से आरंभ करके तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, ब्रजभूमि सारी समृद्धि से युक्त हो गया। कैसे युक्त हुआ? क्योंकि हरेर निवासात्म गुणे रमा क्रीड़न गुण, क्योंकि भगवान हरि इस ब्रजभूमि में निवास कर रहे थे, इसलिए यह ब्रजभूमि रमा देवी की क्रीड़ा भूमि बन गई। अर्थात लक्ष्मी देवी यहाँ नित्य निवास करने लगी ब्रजभूमि। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान नारायण की पूजा करता है, कृष्ण की पूजा करता है, अपने आप वहाँ लक्ष्मी देवी उपस्थित रहती है और वो व्यक्ति ऐश्वर्य संपन्न हो सकता है, धन संपत्ति को प्राप्त कर सकता है भगवान कृष्ण की कृपा से। तो यहाँ पर पुरंदर कहता है कि तुम क्या लक्ष्मी देवी हो, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी पत्नी समृद्धि का प्रतीक हो। स्त्री में लक्ष्मी देवी का जो स्त्री पतिव्रता होती है
उसमें लक्ष्मी देवी के गुण आ जाते हैं पतिव्रता स्त्री में, और वो पतिव्रता स्त्री स्वामी के लिए पति के लिए समृद्धि प्रदायिनी होती है। इसलिए शास्त्र में बताया गया है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जस पतिव्रता जस पत्नी सच मुक्ति सुचि सुखी, जिसकी पत्नी पतिव्रता हो अर्थात पति का अनुगमन करती हो, पति की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य ना करती हो, तो ऐसे जिसकी पत्नी है सच मुक्त है, वो व्यक्ति संसार बंधन से मुक्त हो सकता है, शुचि और पवित्र हो सकता है और सुखी हो सकता है संसार। सच मुक्त है शुचि सुखी, जीवन मृत अशुच दुखी दुशीला पति रे बचा। किंतु जिसकी जिस पुरुष की पत्नी दुशीला है अर्थात जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है, दुशीला दुस्वभाव अच्छा स्वभाव नहीं है, तो ऐसे जो दुशीला स्वभाव वाली स्त्री हैं, जैसे शास्त्र में बताया गया है कि व्याधि ज्वाला विषद ज्वालंग वरं पुंसा बरानन, शिवजी पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे सुंदर मुख वाली पार्वती, व्याधि ज्वाला, व्यक्ति व्याधि की ज्वाला को सहन कर सकता है, ये अधिक श्रेयस्कर है व्याधि ज्वाला को सहन करना, अथवा विषद ज्वाला, विष पीने से जो कष्ट होता है वो वरंग सहन करना श्रेयस्कर है, या व्याधि के कष्ट को सहन करना श्रेयस्कर है। दुष्ट स्त्री नाम मुख ज्वाला, किंतु दुष्ट स्त्री का मुख ज्वाला, कठोर वचन, उसको सहन करना संभव नहीं, मरणाद अतिरिच्यते, ये मृत्यु से भी अधिक है दुष्ट स्त्री का मुख ज्वाला, कठोर वचन। तो इसलिए कहा गया है कि जिसकी पत्नी दुशीला स्वभाव वाली है वो जीवन मृत, वो जीवित होते हुए भी मृत के समान है, वो मरा हुआ है, और अशुचि दुखी, और अशुचिकर अपवित्र और सदा सर्वदा दुखी रहता है वो व्यक्ति। तो ये भौतिक संसार है, इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि जिस प्रकार जिसका इस प्रकार की पत्नी है उसको गृह त्याग कर देना चाहिए, अरण्यं तेन गंतव्यम्, तो ऐसे व्यक्ति का अरण्य में जाना उचित है, क्योंकि महारण्यं गृहात वरम्, कि महारण्य महान वन वो घर से भी श्रेष्ठ है, ऐसे घर में इस घर में इस प्रकार दुष्टा पत्नी है तो उससे वन अधिक श्रेयस्कर है। तो यहाँ पर पुरंजन वो चाहता है कि वो कहता है कि तुम क्या लक्ष्मी देवी हो जो साम्राज्य ऐश्वर्य की देवी हो, तो हर पुरुष की यही कामना होती है कि उसकी स्त्री पतिव्रता हो जिससे घर धन संपत्ति में पूर्ण हो और वो सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कर सके। विचिन्नति किंग मुनिवद रहो बने, तो जब पुरंजन इस प्रकार संबोधन कर रहा है स्त्री को, पुनः प्रश्न करता है कि तुम एकांत में इस निर्जन वन में
विचरण कर रही हो और विचिन्न होती, कुछ चिंता करते हुए ध्यान मग्न होकर, तो एक स्त्री, सुंदर स्त्री जो बुद्धिमती है और शुभ लक्षण वाली है, शुभ स्वभाव वाली है, तो वन में अकेली विचरण कर रही है, तो पुरंदर कहता है कि इसका कारण तो एक ही हो सकता है, कि क्या कारण है, विचिन्नति किंग मुनिरद अहो बने, रहो बने, तो एकांत में मुनिवद, मुनि के समान तुम विचरण कर रही हो। जिस प्रकार मुनिजन वन में मौन व्रत धारण करते हैं, तो किससे कुछ नहीं कहते हैं, भगवान के चिंतन में समय व्यतीत करते हैं। तो ये स्त्री वन में, निर्जन वन में भ्रमण कर रही है, तो पुरंदर कह रहा है कि तो मुनि के समान, तो निर्जन वन में मौन व्रत धारण करती हुई, कुछ चिंता करती हुई तुम विचरण कर रही हो, तो इसका कारण तो एक ही हो सकता है कि तुम अपने पति की खोज कर रही हो। यदि तुम भवानी हो तो तुम शिव की खोज कर रहे हो, या तुम यदि बाग देवी हो, सरस्वती हो, तुम ब्रह्मा की खोज कर रही हो अपने पति, या तुम यदि रमा अर्थात लक्ष्मी देवी हो तो तुम भगवान नारायण की खोज कर रही हो। तो जो व्यक्ति तुम्हारे जैसी स्त्री को प्राप्त करता है, तो त्वदंग्र कामाप्त समस्त काम, तुम्हारे चरण कमल की प्राप्ति से उस व्यक्ति की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे चरण कमल समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। तो यह स्त्री की प्रशंसा पुरंजन कर रहा है। यह स्वाभाविक है कि कोई पुरुष स्त्री को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता है तो इस प्रकार प्रशंसा करता है स्त्री की, अति प्रशंसा या अति स्तुति इसको कहा जाता है, कि स्त्री के चरण कमल की कृपा से व्यक्ति की सारी कामना पूर्ण होती है, तो ये अति स्तुति है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति मोहग्रस्त हैं, स्त्री के प्रति आकृष्ट हैं, तो वो इस प्रकार कहना स्वाभाविक है। यदि पुरंदर ये कहता कि भगवान के चरण कमल की प्राप्ति से व्यक्ति की सारी कामनाएं पूर्ण होती है, वो अच्छा होता है, जो भी हो, किंतु यहाँ पर पुरंजन और एक बात लक्ष्य कर रहा है। उसने कह तो दिया स्त्री को कि तुम लक्ष्मी के समान हो, किंतु लक्ष्मी देवी का एक प्रतीक होता है जो हाथ में लीला कमल लिए हुए भ्रमण करती है। तो लक्ष्मी जी के हाथ में लीला कमल होता है, किंतु इस स्त्री के हाथ में लीला कमल नहीं है। इसलिए पुरंदर ने कहा कि को पद्म कोश पतितः कराग्रात, कि तुम यदि लक्ष्मी हो तो तुम्हारे हाथ में लीला कमल कहाँ है, तो तुम्हारे कराग्र से ये लीला कमल कहाँ पतित हुआ है, कहाँ तुमने फेंक दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि यह स्त्री लक्ष्मी देवी नहीं है, क्योंकि इसके हाथ में लीला कमल नहीं है। और ये लीला कमल किसका प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है। तो ये स्त्री बुद्धि का प्रतीक है, दूषित बुद्धि का प्रतीक, और लीला कमल जो स्त्री के हाथ में नहीं है ये विवेक का प्रतीक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो व्यक्ति संसार को भोग करने के लिए मोहग्रस्त होता है, इंद्रिय भोग करने के प्रति आकृष्ट होता है,
उसकी बुद्धि दूषित हो जाती है, वो दूषित बुद्धि का संग करता है, अर्थात स्त्री का संग करता है जो दूषित बुद्धि का प्रतीक है। और जब व्यक्ति दूषित बुद्धि का संग करता है इंद्रिय भोग के लिए, तो उस समय उसका हिताहित ज्ञान नष्ट हो जाता है, क्योंकि दूषित बुद्धि में व्यक्ति अपने लिए क्या हित है क्या अहित है इसको सोच नहीं पाता। इसका अर्थ है कि उसकी विवेक बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक का अर्थ है कि हित अहित के बारे में विचार करना। तो ये विवेक नष्ट हो जाता है दूषित बुद्धि के कारण। इसलिए व्यक्ति इंद्रिय भोग के लिए कोई भी पापाचार कर सकता है। कभी कभी देखा जाता है संसार में कि व्यक्ति इंद्रिय भोग में इतना अंधा बन जाता है कि इंद्रिय भोग के लिए वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि देखा गया है कि भाई बहन के साथ भी इंद्रिय भोग कर रहा है, पिता बेटे के साथ भी कर रहा है इस कलयुग में। ये सब विवेक शक्ति रहित है इंद्रिय भोग के कारण। तो ये विवेक नष्ट होना ये स्वाभाविक है। जो व्यक्ति इंद्रिय भोग करना चाहता है उसकी बुद्धि दूषित होती है और वह विवेक को खो बैठता है, और इस प्रकार वो जन्म मृत्यु के संसार में पतित होकर बार बार इस संसार में जन्म मृत्यु जराव्याधि रूपक दुख या कष्ट को भोग करता है, और धीरे धीरे वो नीचे से नीच योनि में चला जाता है। यही उसका परिणाम है। किंतु यदि व्यक्ति अपनी बुद्धि को दूषित ना होने दे और इस बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाए, तो व्यक्ति भगवान की सेवा में अपनी बुद्धि को लगाकर इस संसार से सदा के लिए मुक्त हो सकता है और उसका जीवन मनुष्य जीवन संसार में सफल हो सकता है। यही वस्तुतः जीवन का उद्देश्य है। इंद्रिय भोग करना यह जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि इंद्रिय भोग हर योनि में प्राप्त है। हर योनि में हम इंद्रिय भोग करते आए किंतु अभी तक भी हम संतुष्ट नहीं हुए। तो इस मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होकर पुनः इसको इंद्रिय भोग में लगाना यह बुद्धिमान का कार्य नहीं। यद्यपि यह मनुष्य योनि अध्रुव है अर्थद है अर्थपूर्ण है, तो इस मनुष्य योनि को इंद्रिय भोग में ना लगाकर इसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जिससे कि हम इस भौतिक संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। यही हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, और नित्य सुख नित्य आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी खोज करते हुए हम इस प्रकार भटक रहे हैं, विभिन्न योनि में भ्रमण कर रहे हैं और कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। नित्य सुख की कामना करते हैं किंतु इंद्रिय सुख से हम नित्य सुख प्राप्त नहीं हो सकते। यह इंद्रिय सुख यह थोड़े समय के लिए प्राप्त होता है और उसका परिणाम होता है दुख। हर इंद्रिय सुख का परिणाम दुख होता है, यही संसार है। इसे न जातु काम कामेन उपभोगेन साम्यते। कामी व्यक्ति का काम उसकी कामनाएं उपभोग से समेत नहीं होती, इसलिए इसमें इसका त्याग करना यह आवश्यक है, और भगवान की सेवा में अपनी बुद्धि को लगाना यही जीवन का उद्देश्य है। तो यहीं हम इस श्लोक के ऊपर चर्चा को बंद करते हैं और थोड़े समय के लिए श्री वृंदावन दास ठाकुर के संबंध में
चर्चा करते हैं कि आज श्री वृंदावन दास ठाकुर की आविर्भाव तिथि है और हम लोग जानते हैं कि श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत या चैतन्य मंगल की रचना की है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन के संबंध में, लीलाओं के संबंध में ये वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया है अपने ग्रंथ चैतन्य मंगल, जिसको चैतन्य भागवत बाद में कहा गया। तो कृष्ण लीला भागवते कहे वेदव्यास, तो भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है जिसको वेदव्यास ने वर्णन किया है भागवत में कृष्ण की लीलाओं के बारे में। किंतु चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास, किंतु चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने किया है, इसलिए चैतन्य लीला के व्यास वृंदावन दास कहे गए हैं। ये वेदव्यास के व्यासदेव के अवतार वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, जहाँ रसवण नाशे सर्व अमंगल। तो वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की लीला के संबंध में जो ग्रंथ की रचना की थी उसका नाम चैतन्य मंगल है, जिसको बाद में चैतन्य भागवत कहा गया है। और इसको चैतन्य मंगल क्यों कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सारे अमंगल को नाश कर देती, इसलिए इसको चैतन्य मंगल कहा गया। चैतन्य निताई जाते जानिए महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत रसीमा। तो इस चैतन्य मंगल ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की महिमाओं का वर्णन है, जिससे और जिसमें कृष्ण भक्ति के सिद्धांत, सर्वोच्च सिद्धांत का भी वर्णन है। कृष्ण भक्ति के सर्वोच्च सिद्धांत का वर्णन इस चैतन्य मंगल ग्रंथ में वृंदावन दास ठाकुर ने किया है। भागवत जत भक्ति सिद्धांत रसार लिखिया छने यह जानी करिया उद्धार। तो भागवत में जिस प्रकार व्यासदेव ने भक्ति के सिद्धांत का वर्णन किया है, तो उसी प्रकार वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल या चैतन्य भागवत में भक्ति के सिद्धांत के सारों का सार का वर्णन किया है। मनुष्य रचित नारे ऐसे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। तो ये चैतन्य मंगल ग्रंथ की रचना इस प्रकार हुई है कि ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर की प्रशंसा करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि मनुष्य रचित नारे ऐसे ग्रंथ धन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में ऐसे ग्रंथ की रचना कोई मनुष्य के द्वारा संभव नहीं, साधारण मनुष्य ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं कर सकता। तो वृंदावन दास ठाकुर ने इस ग्रंथ की रचना कैसे की है, क्योंकि उनके मुख में वक्ता श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ही इनके कंठ में बैठ करके उन्होंने इस ग्रंथ को लिखवाया। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर के संबंध में। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथ करीते हैं तारिल संसार। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं वृंदावन दास ठाकुर के चरण में कोटि कोटि बार नमस्कार करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इन्होंने ऐसे ग्रंथ की रचना करते हुए सारे संसार का उद्धार किया है, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सारे संसार में प्रचारित किया है।
तो ऐसे जो वृंदावन दास ठाकुर हैं, तो इनकी माता का नाम था नारायणी देवी। वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी माता के संबंध में चैतन्य भागवत में वर्णन किया है, उन्होंने पिता के संबंध में कुछ नहीं कहा है, इसलिए ऐसा बताया गया है कि वृंदावन दास ठाकुर जब गर्भ में थे उनके पिताजी का देहांत हो गया था और उनकी माता नारायण देवी ये बहुत कष्ट में थी, ये संसार में भरण पोषण कर लिए ये दूसरे गृह में काम करती थी नारायण देवी। तो बताया गया है कि वासुदेव दत्त उनके घर में नारायण देवी काम करती थी, जो कुछ भी प्राप्त करती थी उससे वो संसार चलाती थी। तो जब तक इस प्रकार ये नारायण देवी बहुत कष्ट से संसार चलाती थी, ये वस्तुतः श्रीवास पंडित की भ्रातृ कन्या थी। श्रीवास पंडित ये चार भाई थे, श्रीवास पंडित, श्रीपति पंडित, श्रीराम पंडित और श्रीनिधि पंडित, ये चारों एक साथ रहते थे। पहले वो श्रीहट जिला जो बांग्लादेश में अभी है वहीं निवास करते थे और गंगा नदी के तट पर निवास करने के लिए वो श्रीहट से चले आए थे मायापुर। तो वहीं पर जब श्रीवास पंडित मायापुर में निवास करते थे उस समय उनके भ्राता की कन्या ये नारायणी देवी थी और उनकी आयु बहुत कम थी उस समय, 4 साल के। तो उस समय जब नारायण देवी 4 साल की थी तो उस समय चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर पर वो नित्य कीर्तन करने के लिए आते थे भक्तों के संग, और वहाँ पर रुद्रद्वार कीर्तन होता था। तो श्रीवास पंडित के घर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था कि बाहर के लोग जैसे भीतर नहीं आ सकते, और चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर नृत्य और कीर्तन करते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु भावामेश में आकर उन्होंने अपने स्वरूप का प्रदर्शन किया था अपने भक्तों को, और इस अवसर पर स्वरूप का प्रदर्शन करते हुए वो वरदान दे रहे थे अपने भक्तों को। इस समय चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया नारायणी को, सर्वभूत अंतर्जामी श्री गौरंग चांद आज्ञा कल नारायणी कृष्ण बोली कांद। तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जो सर्वभूत अंतर्यामी हैं, जो सभी के हृदय को जानते हैं, सभी के हृदय में अंतर्यामी के रूप में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने आदेश दिया नारायण को कि नारायण तुम कृष्ण बोलकर क्रंदन करो। तो कृष्ण बोलकर क्रंदन करना ये इतना सरल नहीं है, हम लोग इतने सालों से भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं किंतु हमारी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं क्योंकि हमारा हृदय बहुत कठिन है, हमारा हृदय अभी तक द्रवीभूत नहीं हुआ है क्योंकि हृदय में अभी भी भोग की कामनाएं बलवती है।
तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया 4 वर्ष की बालिका को कि नारायणी तुम कृष्ण कहकर रोदन करो, क्रंदन करो, तो नारायण ने क्या किया? हा कृष्ण बलिया मात्र पड़ीला भूमिता, तो तुरंत नारायण ने हा कृष्ण कहकर वो क्रंदन करती हुई भूमि में अचेतन होकर गिर पड़ी। तुरंत हा कृष्ण कहते ही उनमें कृष्ण प्रेम का उदय हो गया नारायण। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा कि जैसे ही नारायण ने कृष्ण कहा उनके हृदय में कृष्ण प्रेम संचारित हो गया, हृदय द्रवीभूत हो गया, वो हा कृष्ण कहकर वो नीचे रोती हुई गिर पड़ी। अंग वही पड़े धारा पृथ्वी र तले, और उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और इतने आंसू बह रहे हैं कि सारे अंग भीगते हुए नीचे भूमि पर, भूमि भीग रहा आंसू से। परिपूर्ण हैल स्थल नयने रजले, तो इस प्रकार वो स्थान नारायण के नेत्रों के आंसू से भर गए थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा वृंदावन दास ठाकुर की माता ने, नारायणी देवी ने प्राप्त की थी जब उनकी अवस्था 4 वर्ष की थी। ये विशेष कृपा नारायणी देवी प्राप्त हुई थी। और केवल इतना ही नहीं, भोजन और अवशेष जतक आछिल नारायणी पुण्यवती तहा से पाइल। चैतन्य महाप्रभु जब भोजन करते थे शिवास पंडित के घर पर, तो जो भी अवशेष भोजन का अवशिष्ट रह जाता था प्रसाद, चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि इसको नारायणी को दो। नारायणी के ऊपर इतनी कृपा थी चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते थे आगे चलकर ये वृंदावन दास ठाकुर की माता बनेगी, जो वृंदावन दास ठाकुर उनके चरित्र की रचना करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृपा कर रहे थे वृंदावन दास ठाकुर की माता पर। शिवासर भात्र सुता बालिका अज्ञान ताहा के भोजन शेष प्रभु पहलो दान। तो इस प्रकार एक अज्ञान बालिका को महाप्रभु ने अपना प्रसाद देकर उनको कृतार्थ कर दिया। तो इस प्रकार नारायण देवी बहुत सौभाग्यवती रही महाप्रभु की कृपा को प्राप्त होकर, और ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो सारे संसार में चैतन्य महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु के भक्त के रूप में प्रसिद्ध हुए, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्री चैतन्य मंगल चैतन्य भागवत में वर्णन किया। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे भक्तों को जो माता जन्म देती है, ऐसे भक्तों को जन्म देना, माता का जन्म देना वो सार्थक हो जाता है। कुलंग पवित्र जननी कृतार्थ, उस व्यक्ति के वंश कुल पवित्र हो जाते हैं और माता ऐसे पुत्र को जन्म देकर कृतार्थ हो जाती है। और वसुधरा वा वसतिश्च धन्य, और वो स्थान वो भूमि भी पवित्र हो जाता है, तीर्थ में परिणत हो जाता है। नृत्यन्ति स्वर्गे पितरोऽपि तेषां येषां कुले वैष्णव नाम देव, और इस प्रकार उस वंश में उस कुल में जो पितृपुरुष हैं, यदि वह अपने पाप कर्मों के कारण नर्क यंत्रणा प्राप्त कर रहे होंगे तो नर्क से उद्धार होकर स्वर्गलोक में वो नृत्य करते हैं। तो ऐसे भक्तों को जन्म देने के लिए वो माता कृतार्थ होती है और वो कुल पवित्र हो जाता है।
तो श्री वृंदावन दास ठाकुर जिनकी आज जन्म तिथि है, इस प्रकार एक महान पुरुष को जन्म देकर माता नारायणी देवी कृतार्थ हो गई थी और हम लोग भी कृतार्थ हुए हैं ऐसे श्री वृंदावन दास ठाकुर को प्राप्त होकर, जिन्होंने चैतन्य लीला का वर्णन करते हुए हम लोगों को चैतन्य लीला का अमृत प्रदान किया है, जिस अमृत का पान करते हुए हम इस भौतिक संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। जय श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर की, जय श्रीमती नारायणी देवी की, जय श्री चैतन्य महाप्रभु की, जय श्री नित्यानंद प्रभु की, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, जय गौर भक्त वृंद की, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि।